खरगोन में हुई हिंसा के बाद शहर सहित आसपास के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। इसी के चलते रविवार को जिले के गोगावा तहसील मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरे से सर्चिंग की गई है। हम आपको बता दें कि यह सब आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। गोगावा थाना प्रभारी महेश सुनैया ने हमारे संवाददाता को बताया कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए नगर में ड्रोन कैमरे से सर्चिंग की जा रही है। वहीं नगर के मुख्य मार्ग गली मोहल्लों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। जो है खरगोन जिले के वर्तमान स्थिति को देखते हुए वो आगामी त्योहारों को वो देखते हुए ड्रोन सर्वे कराया गया था। ड्रोन सर्वे के माध्यम से जो गोगांव शहर में किसी के द्वारा छत पर हथियार पत्थर आदि कुछ छुपाए हों या फिर कोई ऐसी संदिग्ध वस्तुएं हों जिसको हम पहले से मार सकते हैं और ड्रोन के माध्यम से हमने कनेक्टिविटी जोड़ी है ताकि जो है अवैध गतिविधियों व असामाजिक तत्वों पर हम लोग नियंत्रण कर सकें और साथ ही ये लगातार चलता रहेगा। रोज कभी आज सरप्राइज ड्रोन सेवाएँ चलती रहेंगी और साथ ही आज जो फ्लैग मार्च हुआ है आगामी देवरात को देखते हुआ है। अभी हमारे पास जो है आरपीसी का बल आया है और भी बल प्रदर्शित किया है ताकि शांतिपूर्वक त्यौहार संपन्न। क्या नाम है सर? आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।